भारतीय मेधा की पूरी दुनिया लोहा मानती है। यहाँ के डॉक्टर और इंजीनियर्स दुनिया के अलग अलग देशों में अपनी सेवाएं दे रही हैं। ऐसे ही कुछ महान साइंटिस्टों और दूसरे लोगों के बारे में आइए जानते हैं। सर मोक्षगुंडम विश्वरैया। सर मोक्षगुंडम विश्वरैया का जन्म 15 सितंबर 1861 को कर्नाटक के मैसूर जिले में एक छोटे से गाँव में चिक्काबल्लापुर में हुआ था। पुणे से इंजीनियर की पढ़ाई की और तत्कालीन बॉम्बे सरकार के लोक निर्माण विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने ओडिशा, हैदराबाद और महाराष्ट्र में कई परियोजनाओं से अपनी इंजीनियरिंग प्रतिभा का लोहा मनवाया। कृष्णराज सागर बांध जैसी विशाल सिंचाई परियोजना उन्हीं की देन है। जल विद्युत उत्पादन में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हैदराबाद में बाढ़ से बचाव के लिए किए गए उपाय को लेकर उन्हें आज भी याद किया जाता है। और आपको बता दें कि हर साल 15 सितंबर को भारत में इंजीनियर्स डे मनाया जाता है, जो कि सर मोक्षगुंडम विश्वरैया की याद में मनाया जाता है। वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन को आज भी स्कूलों के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में पढ़ाया जाता है। मिल्कमैन ऑफ इंडिया वर्गीज कुरियन का जन्म 26 नवंबर 1921 को कोझिकोड में हुआ था। भारत में दूध की कमी दूर कर एक्सपोर्ट तक में सक्षम बनाने वाली कुरियन ने कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चेन्नई और अमेरिका की मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। गुजरात में उनके द्वारा तैयार किया गया आनंद और अमूल कोऑपरेटिव का मॉडल आज पूरी दुनिया में भारत को सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बना रहा है। सतीश धवन। सतीश धवन को फ्लूइड डायनामिक्स रिसर्च का जनक माना जाता है। वो इसरो के तीसरे चेयरमैन रहे और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को आसमान पर पहुंचाया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ ही उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में एमए भी किया था। बाद में उन्होंने कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। मैथ्स और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में वो डबल पीएचडी थे। भारत में रिमोट सेंसिंग और सैटेलाइट कम्युनिकेशन का श्रेय उन्हीं को जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। साल 1960 में उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में एक साइंटिस्ट के रूप में काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइलों और लॉन्च व्हीकल तकनीक के विकास में अहम भूमिका निभाई। साल 1998 में भारत की ओर से किए गए दूसरे पोखरण परमाणु परीक्षण का भी वह अहम हिस्सा रहे। ई श्रीधरन। ई श्रीधरन को मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के रिटायर अफसर श्रीधरन ने भारत के सार्वजनिक परिवहन सिस्टम में अहम योगदान दिया। दिल्ली में मेट्रो रेल का जाल बिछाने में उनकी अहम भूमिका रही, तो वहीं कोलकाता मेट्रो प्रोजेक्ट में भी उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। कल्पना चावला। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला के रूप में कल्पना चावला को हमेशा याद किया जाता रहेगा। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद कल्पना ने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की थी। STS-87 स्पेस शटल कोलंबिया से नवंबर 1997 में पहली अंतरिक्ष यात्रा पर गई थी। साल 2003 में उनकी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा भी सफल रही, हालांकि वापसी में स्पेस शटल क्रैश हो गया, जिसमें कल्पना के साथ पूरे क्रू मेंबर्स की मौत हो गई थी। सत्य नडेला। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला का जन्म हैदराबाद में हुआ। भारत के महान इंजीनियरों में से एक सत्य की अगुवाई में माइक्रोसॉफ्ट ने दुनिया भर का सबसे बड़ा क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट और यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्स में कंप्यूटर साइंस में एमएस करने वाले सत्य के नाम माइक्रोसॉफ्ट का डेटाबेस लॉन्च, विंडोज सर्वर और अज्यूर क्लाउड में डेवलपर टूल्स का विकास है। विनोद धाम। विनोद धाम पेंटेडियम माइक्रोप्रोसेसर चिप के जनक और फ्लैश मेमोरी टेक्नोलॉजी के सह आविष्कारक भी हैं, जिसे सामान्य तौर पर एसडी कार्ड के रूप में जाना जाता है। साथ ही इंटेल कंपनी के माइक्रोप्रोसेसर ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट हैं। चंद्र कुमार नारायण भाई पटेल। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चंद्र कुमार नारायण भाई पटेल को कार्बन डाइऑक्साइड लेजर के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। उनके लेजर का इस्तेमाल आज भी कटिंग और वेल्डिंग में किया जाता है, सर्जरी में भी इसका इस्तेमाल होता है। गूगल के भारतीय सीईओ के रूप में पहचान बनाने वाले सुंदर पिचाई आज गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक के सीईओ हैं। तमिलनाडु के मदुरै में जन्मे सुंदर ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई आईआईटी खड़गपुर से की और बाद में स्टैनफोर्ड से पीजी की डिग्री हासिल की। पिचाई ने गूगल के सर्च बार को ऑप्टिमाइज करने की दिशा में काम किया। उन्हीं की देन है कि आज गूगल के पास एक अलग ब्राउजर है।